Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icon. Never miss any new updates. पानीपत में आज फिल्मी स्टाइल में चोर बैंक में रखे लॉकरों में हाथ साफ कर गए। पंजाब एंड सिंध बैंक में अज्ञात चोरों ने छुट्टी का फायदा उठाते हुए छत का लेंटर तोड़ा और बैंक में प्रवेश कर लॉकर तोड़कर चोरी को अंजाम दिया। चोर लॉकर से क्या क्या ले गए अभी तक इसका पता नहीं लग पाया है। वहीं लॉकर से चोरी की वारदात का पता चलते ही बैंक में लॉकर मालिक पहुंचना शुरू हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी कैमरे व आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। बैंक के बाहर रोते बिलखते ये लोग अपनी सारी उम्र की कमाई खोकर बैठे हैं। दरअसल पानीपत के सनोली रोड पर स्थित संत भाई नरेन गुरुद्वारा के भवन में गुरु नानक पब्लिक स्कूल चल रहा है। इसी स्कूल के नीचे पंजाब एंड सिंध बैंक है। रविवार की छुट्टी होने का फायदा चोरों ने उठाया। सुबह स्कूल खुला तो पुलिस को चोरी की सूचना दी गई। चोर पाइप के सहारे स्कूल के कमरे की खिड़की तक पहुंचे, खिड़की काटकर बैंक के ऊपर बने कमरे में दाखिल हुए। ये कमरा लॉकर रूम के ठीक ऊपर वाला था। इसके बाद उन्होंने कटर से छत को काटा। इसके बाद क्लास में रखे टाट पट्टी के सहारे नीचे उतरे। यहाँ से चोर लॉकर रूम में पहुँचे। सारे ज्वेलरी थी मेरी, दहेज की भी, बड़ी की भी, गिफ्ट मिले हुए हैं सारे, और थोड़ा बहुत कैश भी था। कुछ भी सामान घर में नहीं पड़ा हुआ, सारा हमने यहीं बेचकर लॉकर में रखा हुआ था। और सारा कुछ चला गया, 60-70 तोले सोना होगा और कैश का थोड़ा बहुत 40-50 हज़ार होगा। लिखा हुआ रखा हुआ 17-18 साल हो गए, लगभग 20 साल की कमाई सारी खत्म हो गई। अभी ये तो कुछ नहीं मालूम है, तो देख के पता चलेगा घर पे क्या पड़ा है, यहाँ क्या पड़ा है। तो कितने लॉकर थे आपके? मेरे 2 लॉकर थे, एक मेरा 82 नंबर थे। अच्छा, और दूसरा लॉकर? अभी उसका कंफर्म नहीं। कितने टाइम से लॉकर था आपका? 10 से 15 साल। 10 से 15 से 20 साल ही हो गए। तो क्या लगभग कितना नुकसान? अभी इसका कुछ नहीं। चोरों ने लॉकर रूम में पहुंचने के बाद लॉकर को तोड़ना शुरू किया। करीब 6 लॉकर तोड़कर उन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मौके पर एसपी सुमित कुमार पहुंचे और जानकारी जुटाई, पर चोरी किस समय हुई इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। हालांकि रविवार को छुट्टी थी, ऐसे में चोरों ने रविवार को ही वारदात को अंजाम दिया है। वही बैंक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। पता लगाया जा रहा है कि लॉकर किसका था और उसमें क्या क्या था। मौके पर पहुंचे लोगों के अनुसार उनके करोड़ों के जेवरात गायब हैं। पुलिस ने जल्द मामले को सुलझाने की बात कही है। क्या सूचना मिली थी सर? क्या सूचना? आज सुबह सूचना मिली थी कि गुरुद्वारे के अंदर बैंक और स्कूल है, स्कूल की जो क्लासरूम है ऊपर से लेंटर डैमेज है और हो सकता है बैंक में नुकसान हो। तो इस बात पर सूचना पर जो बैंक मैनेजर सोमवीर को बुलाया और उनके सीनियर मैनेजर भी आए पंचकुला से, अंदर खोल कर चेक किया गया, जिसमें 6 लॉकर सीरियल नंबर 6721-22-37-82 डैमेज पाए गए और FSL टीम से निरीक्षण करवा दिया और कोई किसी दूसरे प्रकार का कोई नुकसान है नहीं। मुकदमा दर्ज कर दिया है और जांच कार्रवाई। इससे पहले सनोली रोड पर गोल्ड पर लोन देने वाले बैंक पर डकैतों ने डकैती की थी, जिसका आज तक पता नहीं चल पाया। फिलहाल आए दिन हो रही वारदात से पानीपत सहम गया है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।